गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, ये सीरीज मैं ग्रामर की छोटे बच्चों के लिए शुरुआत कर रही हूँ। सिक्स से लेकर एट्थ इवन नाइन्थ तक के बच्चे समझ सकते हैं, क्योंकि नाइन्थ और टेंथ और इलेवेंथ ट्वेल्थ के बच्चों को भी बेसिक ग्रामर क्लियर नहीं। कोई भी लैंग्वेज हम जब सीखते हैं तो हमें उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हर लैंग्वेज में वर्ड्स की ज़रूरत होती है, स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, कैसे हमें टेंस को कहाँ रखना है, उसमें कौन से लेटर्स हो सकते हैं, कौन से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो लैंग्वेज बेसिकली प्रैक्टिस है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि पहले आप उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि ग्रामर और लैंग्वेज का आपस में क्या तालमेल है। बिना ग्रामर के लैंग्वेज कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। ग्रामर इज लाइक बैकबोन ऑफ अ लैंग्वेज, जैसे बिना बैकबोन के आपकी बॉडी सीधी नहीं खड़ी हो सकती, इसी तरह से आपको ग्रामर समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और हर बच्चा कर सकता है, इसके लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये आप ध्यान रख लेना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चा हर चीज़ समझकर अच्छे से अपने आप को प्रोग्रेस कर सकता है। और आज के जो युग में, आज के जो समय की डिमांड है, वो इंग्लिश में बच्चे कमज़ोर होते हैं, इसलिए अपने करियर में भी पीछे रह जाते हैं। और कमज़ोरी सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द लेटर्स। कितने शब्द, कितने लेटर्स, क्या होता है लैंग्वेज में? तो एक मेन जो शुरुआत होती है, जहाँ से हम किसी लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं, वो होती है उसकी वर्णमाला, उसके अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट यहाँ पे इंग्लिश में आप जो ए बी सी डी है, जैसे ए बी सी डी है ना, आप इसको अल्फाबेट कहते हैं, ये गलत करते हैं। दिस इज नॉट अल्फाबेट, ये क्या है? लेटर्स, ठीक है, ये लेटर्स हैं। तो अल्फाबेट में आपके 26 लेटर्स हैं, 5 वॉवल्स हैं इसमें और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? 21 जो रिमेनिंग लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। वाई और डब्ल्यू, ये दो लेटर्स हैं जो हम बोथ हैज वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये कहाँ पे किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रा गौर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। अल्फ़ाबेट्स जो है वो बेस है हर लैंग्वेज का, उसमें 26 लेटर्स होते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो कुछ और चीज़ें हैं बेसिक्स जो आपको जानना ज़रूरी है, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। लेसन वन का ही ये पार्ट है। आर्टिकल्स, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। डेफिनेट में द आर्टिकल होता है, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, वो एक किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या जगह के आगे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द सन, सन एक ही है, उसके आगे हमने द का इस्तेमाल किया है। द मून, क्लियर है कि ये इसके अलावा और कुछ नहीं। इनडेफिनेट में ए और एन, इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अ बुक, अ पेन। तो यहाँ पे जब हमने ए लिखा है और ए बुक के साथ लिखा है, तो बुक ये कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, कोई निश्चित किताब नहीं है, इट इज एनी बुक, ठीक है। ए पेन, कोई भी पेन, एनी पेन। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये निश्चित नहीं है, ये नाउन के आगे इस्तेमाल होते हैं,
ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे वो आप ब्रीफली छोटे तरीके से समझ लीजिए। दी जो द वर्ड है, द आर्टिकल, ये हमेशा किसी डेफिनेट या निश्चित निश्चित चीज के आगे इस्तेमाल होगा, जैसे द सन, द मून। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। अब हम ये देखेंगे कि ए और एन कहाँ इस्तेमाल होगा, तो इसको आपको बहुत बारीकी से समझना है। ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे इस्तेमाल होगा, या कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड के आगे, ठीक है। एन जो है ये किसके आगे यूज होगा, वॉवल, या वॉवल साउंड। तो बच्चों इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, इसे मैं अब रब करूंगी। पहले हम एक आर्टिकल का यूज देखेंगे, जैसे अ पेन, अ कैट, ए बैट, ए रैट, एटसेट्रा, ठीक है। और एन के लिए एन इंक पॉट, एन एलिफेंट, गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रन। Today we are, as I told you, we'll be talking about basic English grammar, and in that I have already discussed with you articles, right? So articles, now we will be discussing a little bit in detail. This is articles A and an, indefinite articles. But first we'll talk about A, where A is used. A article जो है वो एक नाउन के आगे यूज किया जाता है। कैसे नाउन के आगे? बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स जो ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश वर्णमाला में, उन लेटर्स के आगे यूज होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड, या जिस नाउन में कॉन्सोनेंट की साउंड, ठीक है, जैसे अ पेन, यहां पे जो पी है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके आगे हमने ए यूज किया। पेन एक नाउन है, ये आपको पता ही, कॉमन नाउन है। यू आर अ फार्मर, फार्मर में भी आप देख सकते हैं एफ जो है वो कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके आगे हमने ए यूज किया। That is a house. Again, मैंने आपको ये सर्कल करके बताया है, हाउस का एच इट इज अ कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके आगे भी हमने ए लगाया। आई लिव इन अ सिटी, सी, सी इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट, अगेन वी विल प्लेस ए बिफोर सिटी। ये तो हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। अब हम बात करेंगे ए अगर वॉवल से शुरू हो रहा है, या पेयर ऑफ वॉवल से शुरू हो रहा है, तब हम किस स्थिति में उसको यूज करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्सोनेंट या फिर कॉन्सोनेंट साउंड, ध्वनि, अगर कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है तो भी हम इसके आगे ए लगाएंगे। लेट अस सी हाउ वी डू। A before a noun beginning with E, E U, U
साउंड्स य, साउंड कैसी आएगी उसमें य। अगर आप उसको हिंदी में लिखोगे जैसे आप बोल रहे हो तो उसमें य वर्ड आएगा, ठीक है। जैसे शी इज अ यूरोपियन, यूरोपियन इसमें ई और यू, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ई और यू के आगे हम कॉन्सोनेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे ई यू यूरोपियन आ गया, तो ई और यू और साउंड आ रही है य, यूरोपियन। इसी तरह से माय फ्रेंड वर्क्स फॉर अ यूनियन, इसमें भी यू, यू वर्ड जो है वो य की साउंड, मैंने आपको बोला कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे य की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने शुरू में भी आपको बताया ई यू यू या ई, इन तीनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन से अगर शुरू होता है आपका कोई भी नाउन और उसकी आवाज़ आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, इन वर्ड्स में हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, उसके आगे हम ए यूज़ करेंगे। जैसे माय फ्रेंड वर्क्स फॉर ए यूनियन, यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर अ कॉज, देन शी इज अ यूरोपियन, यूरोपियन कंट्री को बिलोंग करती है और यू य साउंड आ रहा है तो अ यूरोपियन। तो डियर चिल्ड्रन अब आपको ए का पर्टिकुलर यूज क्लियर हो गया होगा, अब इसके बाद हम एन का यूज सीखेंगे। आज हम इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ के, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, तो हमको इसकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर है। थैंक यू। नाउ आर्टिकल्स आर इनडेफिनेट, वी आर टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल्स ओनली। ए का हमने अभी यूज आपको बता दिया, अब मैं आपको एन का यूज बताऊंगी। It is used before a noun that begins with a vowel or a vowel sound. दोनों चीज़ें हैं इसमें, vowel से शुरू हो या फिर vowel sound से, वो मैं दोनों चीज़ें आपको example से बता दूँगी। तो पहले आप देखेंगे I saw an elephant, और ये जो E है it's a vowel, E is a vowel, so because it is a vowel we use an before elephant. An onion, an ink pot. An onion begins with O, vowel. Then an ink pot, I begins with a vowel. Therefore, we are using an here also an. I have already told you that we have five vowels A, E, I, O, U. Okay, so we have to take care if any noun, singular noun begins with these vowels, we will be using an before it, correct? Now, next ruling is, it begins with a consonants but sounds of a vowel. Consonant से शुरू होता है, लेकिन आवाज vowel की आती है, जैसे an, mp, m, a, air, air. So this is an MP and MLA. So दिखने में तो ये consonant से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी sound जो है वो किसकी है, एक vowel की। यहाँ पे भी M consonant है लेकिन sound vowel की। Now third ruling, singular noun that begins with a silent H. साइलेंट एच, जिसमें एच को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे उसे साइलेंट रखा जाता है, जितने भी वर्ड्स हैं जो एच से शुरू हो रहे हैं और एच साइलेंट है उसमें भी हम एन यूज करेंगे। जैसे एन आर, एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे एच कॉन्सोनेंट है दिखने में, ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो, क्योंकि ये साइलेंट है दोनों वर्ड्स, यहाँ पे दोनों एच साइलेंट है, वे एन आर एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट एच इज नॉट बीइंग स्पोकन। सो दिस इज द रूलिंग फॉर एन आर्टिकल और ए आर्टिकल। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे, यू हैव टू राइट 10 सेंटेंसेस, ओके लेट अस सी 10 सेंटेंसेस यूजिंग ए
विद अ नाउन ऑफ कोर्स, क्योंकि नाउन के आगे यूज होता है ए और एन, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन टेन सेंटेंसेस यूजिंग एन, आपको मैंने पहले बताया, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी। सो माय अर्जेंट रिक्वेस्ट इज दैट यू शुड ऑल प्रैक्टिस, जो आपको मैं ये लेसन वन के तहत सारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, और यही लेसन वन कंटिन्यू होगा कल भी आपका, जिसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच लूँगी, और उससे भी पहले थोड़ा सा मैं जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है द उसको टच करूँ, ठीक है। तो अभी आपका ये जो भी मैंने आपको असाइनमेंट दिया है उसका ध्यान रखेंगे और उसको जरूर करें। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।